हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे आप LIC का लोन और साथ ही साथ LIC के अगर आपका रिन्यूअल प्रीमियम जमा होना है तो आप घर बैठे कैसे अपने मोबाइल से डायरेक्ट LIC को ही जमा कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में कोई से भी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट LIC India.in पर जाकर LIC को ही डायरेक्ट पे कर सकते हैं। अगर आप अपने लोन का इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं, ओनली इंटरेस्ट, तो वहाँ पर वो ऑप्शन भी दिया है। आप रिन्यूअल प्रीमियम और लोन का इंटरेस्ट, ये काफ़ी सारे ऑप्शन वहाँ पर दिए हुए हैं। और कैसे इसकी रिसिप्ट आपके मोबाइल पर आएगी वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। कहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें जिससे कि मेरे ये कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये साइट डालनी है www.LICIndia.in। आप देख सकते हैं www.LICIndia.in। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेज खुलकर आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ही आपको लिखा हुआ मिल रहा है पे प्रीमियम ऑनलाइन। अगर ये आपको ऊपर ना मिले तो आप लाइफ इंश्योरेंस इस पर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं पे प्रीमियम ऑनलाइन ये आपको ऊपर ही मिलेगा आपको। अब ये देखिए एक नया पेज आपके सामने खुलकर आया है। इसमें आपको क्या करना है, ये दो ऑप्शन आपके पास हैं, पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन और थ्रू कस्टमर पोर्टल। आपको लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको अपनी आईडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अपनी आईडी बना रखी है तो आप कस्टमर पोर्टल पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। मैं आपको विदाउट लॉगिन बता रहा हूँ, आपको इस पर क्लिक करना है। आप देखेंगे एक ऐसा पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। आप देख सकते हैं पे डायरेक्ट, ये प्लीज सिलेक्ट का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं नीचे आपको सबसे पहले रिन्यूअल प्रीमियम रिवाइवल, अगर आपको रिन्यूअल प्रीमियम पे करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। और नीचे चलते हैं, अगर आप एडवांस में प्रीमियम पे करना चाहते हैं अपना तो इसका भी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है LIC ने, अगर आप लोन का रीपेमेंट करना चाहते हैं, अगर आपने अपनी LIC पॉलिसी पर लोन लिया है आप उसका रीपेमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। या यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन LIC ने दिया है कि अगर आप अपने लोन का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं, ब्याज अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं वो भी चारों में से आपको जो भी करना हो, सभी का एक सा ही प्रोसीजर, मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको, रिन्यूअल का करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप देख लीजिए इसे। यहाँ पर आपको तीन स्टेप्स आएंगे, ये आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और कुछ आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। जो आपका पॉलिसी नंबर है आपको वो यहाँ पर एंटर करना है। और नीचे आप देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स, तो आपके पास जो बॉन्ड हो या आपके पास रसीद हो उसमें बिना टैक्स के भी प्रीमियम नीचे लिखा रहता है विदाउट टैक्स, ऊपर आपका टैक्स के साथ लिखा रहता है और नीचे विदाउट टैक्स लिखा रहता है। तो आपको विदाउट टैक्स यहाँ पर आपको अपना प्रीमियम लिखना है। और डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सबसे पहले डेट, उसके बाद आपको मंथ डालना है, फिर आपको अपना ईयर। यहाँ पर दोस्तों ईमेल आईडी का मैं फिर आपको बता दूं कि ईमेल आईडी आपको यहाँ पर वो एंटर करनी है जिस पर आपको ये रिसिप्ट मंगानी हो, इसका आप ध्यान रखें। मोबाइल नंबर आपको वो देना है जो आपने पॉलिसी में एंटर कराया हो। और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके आपको फिर, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज, मतलब आप एक पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं फिर आप दूसरी का करेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप काफ़ी सारी पॉलिसी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देख रही है ऐड मोर पॉलिसीज, आपकी एक पॉलिसी नीचे आ गई है, जैसे ही आप दूसरी पॉलिसी ऐड कर लेंगे इसमें उसका भी आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स यहाँ भरना है और वो भी आपकी ऐड हो जाएगी इसमें। आप इसी तरीके से काफ़ी सारी पॉलिसीज का भी प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं, पर मैं यहाँ आपको एक का ही करके दिखा रहा हूँ। तो आपको नीचे चलना है और नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही आप पॉलिसी का नंबर डालते हैं तो ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ गई है। आप इस डिटेल को भी ज़रूर देख लें, मैच कर लें अपने फ़ोन से, ऐसा ना हो कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए पॉलिसी नंबर डालने में। तो आप अपना नाम और प्रीमियम ये चेक कर लें पॉलिसी नंबर एक बार सही से,
और अगर आप एजेंट हैं तो आप भी चेक कर लें, कहीं आप अपने कस्टमर का नंबर गलत ना डाल दें इसमें, या कुछ गलती हो जाए तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो डिटेल आई हुई है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, ये आप देख सकते हैं। चेक एंड पे पर आपको क्लिक करना है, चेक एंड पे पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही चेक एंड पेपर आपने क्लिक किया, आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब इन सभी ऑप्शन में से आप जिसके थ्रू भी अपना प्रीमियम पे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर, यूपीआई, इन सभी ऑप्शन में से आप जिससे भी करना चाहते हैं आप उससे कर सकते हैं। तो जैसे कि अब एक का आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा आता है। आप देखिए जैसे क्रेडिट कार्ड है तो आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद सभी उस कार्ड पर एक्सपायरी डेट लिखी होगी, आपको मंथ और ईयर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद CVV, ये 3 डिजिट का कोड होता है जो कार्ड के पीछे लिखा रहता है, आपको यहाँ पर एंटर करना है। कार्ड होल्डर नेम वो आपको यहाँ करना है और आप पे कर सकते हैं पेमेंट। अब आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पर डेबिट कार्ड का है, वो भी सिंपल सेम है बिल्कुल, यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर एटीएम पिन का यूज करके आप सिलेक्ट अपनी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपको बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक या कोई सी भी बैंक हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करें, मंथ एंटर करें और CVV मैंने आपको बताया कार्ड के पीछे 3 डिजिट का CVV लिखा रहता है। कार्ड होल्डर नेम आपको लिखना है और उसके बाद आपको मेक पेमेंट करना है और आपका पेमेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तो वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको कोई सा भी पेमेंट करते हुए टाइम कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। घर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।